बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे बेसनी रोटी, जिसके लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा, 1.5 कप पालक, 50 ग्राम्स फेटा चीज़, 2 ग्रीन चिलीज जो मैंने बारीक काट ली हैं, 1 टीस्पून अजवाइन, 2 फ्रेश ग्रीन ऑनियन बारीक काट ली हैं, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 कप बेसन, 1 मीडियम साइज पोटैटो जो मैंने बॉईल कर लिया, छोटी क्यूब्स में काट लिए। ये सब इंग्रेडिएंट्स हम मैदा में शामिल करके इन्हें अच्छे से गूंद लेंगे। और ये जब हम आटा गूंदेंगे तो हम आम रोटी से थोड़ा इसे सख्त रखेंगे, जैसे आम हम घर में आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सख्त रखना है, ताकि ये बनाने में हमें मुश्किल ना हो। अब हम सारी चीज़ें इसमें मिक्स करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बेसन, ज़ीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सुर्ख मिर्च, नमक, अजवाइन, सब्ज मिर्च, फ्रेश ऑनियन, पालक, पोटैटो और फेटा चीज़, ये सब डाल के हम हाथों से पहले इन्हें मिक्स कर लेंगे यूँ। हम सारी चीज़ों को यूँ, पोटैटो खुद ही इसमें मेल्ट हो जाएंगे जब हम इसको गूंदेंगे, फेटा चीज़ भी यूँ देखें छोटे छोटे हाथों से अच्छी तरह मिक्स करके तो हम इन्हें गूंद लेंगे। आटा गूंद लिया है, अब हम इसे 20 मिनट रेस्ट देंगे, फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा सॉल्ट पसंद करते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और ऐड कर सकते हैं। अब हम 20 मिनट्स के बाद पराठे बनाते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनके पराठे बनाएंगे। यूँ यूँ रोटी बेल के यूँ रोटी बेल के हम इस पे ऑयल लगाएंगे। थोड़ा सा खुश्क आटा डालेंगे और इसको यूं काट के हम रोल कर लेंगे।
हम सारे तैयार कर लेंगे, फिर बनाएंगे। ये हमने बना ली हैं, अब हम इसको बेलेंगे। हम इसको बेल के तो पराठों की तरह बनाएंगे। अब हम इसको पराठों की तरह यूं बेल के तो बनाएंगे। बहुत मज़ेदार पराठा बनता है, आप ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। यूं हम डाल देंगे और फिर इसके ऊपर ऑयल, यूं ऑयल डालेंगे, एक तरफ से गर्म हो जाए, फिर हम इसका साइड चेंज करते हैं। इसी तरह ये हम साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा देंगे। हमने इस कलर में करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना, फिर उसके जायके में फ़र्क आ जाता है। बस हम इसे यूँ उतार लेंगे और इसी तरह हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। ये देखें, बेसनी पराठे तैयार हैं। प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह, खुदा ताला करे यूं ही आपके दस्तरखान अच्छे अच्छे खानों से सजते रहें। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।